हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोपाल जी के लिए ये पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको दो कलर की नेट का कपड़ा, कार्डबोर्ड शीट, स्टोन चेन, मोती स्टोन्स, इन सब की ज़रूरत होगी। कलर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पगड़ी बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पगड़ी बनाना। तो पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कान्हा जी के सर का वो हिस्सा नाप लेंगे जिसमें हम पगड़ी पहनाते हैं, और जितनी भी उसकी नाप आएगी उसमें आधा इंच प्लस करके एक लंबी पट्टी कार्डबोर्ड के पीस में से कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ये पट्टी कट कर ली है, इसकी चौड़ाई एक इंच है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछा निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर हम कट कर लेंगे। ये कुछ इस शेप में आ गया है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने ये वाइट कलर का अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लूंगी। इसके ऊपर इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इसको साइडों से कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा रोकते हुए कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लिया मैंने। अब हम गोलाई वाली साइड से हल्के हल्के से कट लगाएंगे इसमें, और कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए पेस्ट कर लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। इसके सूखने के बाद अब हम इसको हल्का हल्का इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से शेप में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ ग्लू लगाकर इनको पेस्ट कर देना है आपस में इस तरीके से। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अब हम ये वाला पोर्शन भी कवर कर लेंगे। तो इसे कवर करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड की ये शीट ली है, इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा पोर्शन हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर पेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पर भी कपड़ा लगा लेंगे। ये कपड़ा पेस्ट करने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने नेट के कपड़े में से ये पट्टी तैयार कर ली है। इसको हमें इसके ऊपर लगाना है। पहले हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर एक पट्टी यहाँ लगाएंगे, एक पट्टी इसके बराबर में लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए, इस पट्टी को यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। इस तरीके से तिरछा लगाएंगे और ऐसे नीचे की साइड से इसको ले जाते हुए और फिर ऊपर की साइड को ऐसे करते हुए यहाँ पर इसको लगा देंगे। फिर इधर से फिर से नीचे की साइड लेके जाएंगे और फिर इस तरीके से, ये देखिए, चलिए लगाते हैं। थोड़ा सा छोड़ते हुए इस एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे और इस पट्टी को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, ये इसमें टर्बन लुक आ गया है। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैंने नेट के कपड़े में से ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच है। हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ कॉर्नर से ट्रायंगल शेप में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे
अब यहाँ से धीरे धीरे इसको रोल करेंगे। अब इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए ये फ्लावर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये फ्लावर इस तरह बन गया है। इसी तरीके से हमें इन पत्तियों से भी बना लेने हैं। ये देखिए मैंने फ्लावर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम कुछ पत्तियाँ बनाएंगे। तो पत्ती बनाने के लिए मैंने ये लंबी पट्टी कट कर ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 40 इंच है। इसमें से हम स्क्वायर पीस कट करेंगे। किस तरीके से करना है देखिए, पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार और कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि इसकी ये वाली साइड 2 इंच है, तो ये वाली भी हमें 2 इंच ही रखनी है। अब इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कितने सारे स्क्वायर पीस हमने कट कर लिए हैं एक साथ में। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है। और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है इसमें। तो ये धागा इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये देखिए ये पत्ती बन गई। यहाँ पर नॉट लगाकर हम धागा कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें इन पीस से भी पत्तियाँ बना लेनी हैं। ये देखिए मैंने ये पत्तियाँ भी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड की शीट में से एक सर्कल पीस कट कर लेना है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड की शीट ली है और एक ये कैप ली है, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे इस पर और ऐसे फोल्ड करते हुए इसको भी पेस्ट कर लेंगे। साइडों से पेस्ट करने के बाद अब हम इसको पेस्टिंग के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों साइड से कवर हो गया। अब हम इस पे यहाँ कट करेंगे। को हमें यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। इसे यहाँ पर लगाने के बाद अब जो हमने पत्तियाँ बनाई थी वो इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये फ्लावर यहाँ लगाने के बाद अब हम इस पर स्टोन चेन लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर स्टोन चेन लगाने के बाद मैंने यहाँ मोती लगा दिए हैं और यहाँ छोटे छोटे स्टोन लगाकर इसको डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसके लिए कलगी बनाएंगे। तो कलगी बनाने के लिए मैंने नेट के कपड़े में से 3.5 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी एक पट्टी कट कर ली है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद इसे प्लेट डालकर तैयार करेंगे। अब हम इस कलगी को यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ये मोती लगाएंगे। तो
तो फ्रेंड्स ये पगड़ी बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पगड़ी और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।